तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। ये नद कुडुम्ब भे तिरुचिरापल्ली शहर में तो समृद्ध इतिहास के प्रमाण कदम कदम पर दिखते हैं। यहां हमें पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन का मॉडल दिखता है। मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं, मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है।